कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लखनऊ की मशहूर डांस टीचर आशी अग्रवाल, जो कि सीएमएस महानगर की टीचर हैं और बच्चों को डांस सिखाती हैं, आशी जी की लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ खास बातचीत में उन्होंने बच्चों को इस लॉकडाउन में घर पर रहकर डांस सीखने और अपनी प्रतिभा को उभारने को लेकर बताया कि कैसे इस लॉकडाउन में आप घर पर रहकर ऑनलाइन डांस सीख कर अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। शिवा लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24 से, और आज हमारे साथ में एक लड़की होने वाली है जो बहुत कुछ आपको बैठे बैठे घर बैठे सिखा देने वाली है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे घर पर हैं और घर पर बैठे बैठे वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। डांस सीखने को मिलने वाला है आज आपको, कुछ बेसिक स्टेप सिखाने वाली। कौन सिखाने वाली? आशी सिखाने वाली, जो कि सीएमएस महानगर की डांस टीचर भी है। हेलो आशी, कैसी हो? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे आप जान रहे हैं कि समय लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के चक्कर हम सब घर पर हैं, और सीएमएस में महानगर की मैं टीचर हूँ और मैं घर बैठ के बच्चों को सीएमएस के वीडियो बना के आगे भेज रही हूँ। तो इस चक्कर में जैसे हम लोग सब घर के अंदर हैं, तो हम जैसे घर पर रह के डांस वीडियोस बनाते हैं और बच्चों अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं इसके थ्रू, ताकि बच्चे डांस सीख सकें और आगे प्रैक्टिस कर सकें। और जो कि बच्चे सोचते हैं कि घर बैठ के मैं बोर हो रहे हैं कि क्या करें, तो वो डांस कर सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जिसमें इंटरेस्ट है वो भी काम कर सकते हैं। इससे पहले आशी कि हम आपसे कुछ बेसिक स्टेप्स जानें, क्योंकि और लोग भी देखेंगे, अभी तक आप सब सीएमएस के बच्चों को बता रही थी, सिखा रही थी, ताकि हमारे थ्रू से बहुत सारे लोगों तक ये जाएगा, लोग बेसिक स्टेप्स सीखेंगे। कुछ थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, आपने कब स्टार्ट किया था डांस करना और डांस आपका पैशन है, प्रोफेशन है, क्या है डांस, क्या है आपके? मेरे को कम से कम 12 साल हो गए डांस करते हुए, और मेरा जो डांस है वो मेरा पैशन भी और प्रोफेशन भी है, जिसको मैं आगे बढ़ा के लेके जाऊँगी। मतलब एक डांसर बनना चाहती हो सक्सेसफुल? प्लेबैक डांसर? नो, प्लेबैक नहीं, मेरे को एक लीड में जाना है, क्यों प्लेबैक तो किसी के लायक नहीं, आई वांट टू बी इन अ लीड। ओके, ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है आपका। अच्छा, तो अभी जल्दी से कुछ शॉर्ट और इनिशियल स्टेप्स बता दीजिए, जो कि जो डांस करना चाहते हैं उसको शुरुआत में सीखना चाहिए और आने ही चाहिए। जैसे कि मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता, हमारे जैसे बेसिक्स में बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। जैसे मैं भरतनाट्यम में, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैरों का इस्तेमाल सबसे पहले सिखाया जाता है, और बैलेंसिंग बहुत होनी चाहिए उसमें, और तो और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने होते हैं, जैसे हमें उसको खेलना होता है। भरतनाट्यम में सबसे पहले स्टेप होता है हमारे नमस्कार, तो हम लोग नमस्कार से शुरू करते हैं। नमस्कार के बाद हमारा भरतनाट्यम में बेसिक स्टेप होते हैं, हम पैर से शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो आधा बैठा है, तो इसका मतलब है हम आरा मंडी में बैठे हैं, और इसके पहले स्टेप शुरू होते हैं 1, 2, 3। ऐसे हम लोग अपने भरतनाट्यम में स्टेप्स में शुरुआत करते हैं उस बीट्स को, और इस हम लोग उसको भरतनाट्यम की शुरुआत करते हैं, और ये सबसे सिंपल स्टेप्स होते हैं भरतनाट्यम के। चेयर में हम लोगों ने पैर चलाना सीखा है, उसको अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करनी होगी बिना नॉनस्टॉप, आप इस पर कोई ब्रेक नहीं ले सकते हो, ये ऐसा डांसर फॉर्म है। तो अब इसके बाद जैसे हमने ये पैर करा, अब इसके दूसरे उसमें करेंगे हम, इसमें हम लोग अपने हाथ खोलेंगे, और हाथ हम जैसे हम आपको बता रहे हैं ये हाथ है, उसकी एक फिंगर हम टिल्ट करेंगे इधर और इधर, और इसके बाद हम लोग हाथ भी चलाना सीखेंगे, जैसे कि 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8। इससे हमारे धीरे से वो धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। थर्ड हम आगे पहुँचते हैं, हम हाथ ऐसे करेंगे, और हमारा फर्स्ट स्टेप हम शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही हमारे पास सिंपल और आगे बढ़ेंगे, बट हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में अगर बच्चे हैं तो वो धीरे धीरे अपने बिगनर्स लेवल से थोड़ा आगे बढ़ के डांस करना शुरू करेंगे। थैंक यू।